पूज्य आस्करण जी मोदी के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आज हम सब लोग स्वर्गीय आस्करण जी मोदी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा के रूप में इकट्ठा हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आस्करण जी मोदी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, जीवन में उन्होंने समाज के अनेक क्षेत्रों में जो जीवन पर्यंत काम किया उनके बारे में, किस तरह से समाज की संरचना में, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे शिक्षा के जगत की बात करें, और चाहे परिवार और कुटुंब को बांध के रखते हुए जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात करें, वो आस्करण जी जैसे व्यक्तित्व से सीखने वाली बातें हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत ऐसा जीवन जिया जो बिरले ही जीते हैं। आज हम सब नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। परिवारजन उनके किए हुए कार्य और उनके मन में जो और कार्य करने बाकी थे, जो स्वप्न उन्होंने लिए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए, जो उनकी सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं उस परिवार से, मोदी परिवार से उम्मीद भी करता हूं। माता पिता से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 95 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो जाए, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे बीच में से चले जाएंगे। लेकिन हम सब लोग जानते हैं, नियति का नियम है, जो व्यक्ति आया है वो व्यक्ति जाएगा भी। और समय जिस तरह से कोई व्यक्ति पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, जो समय से जाता है उसके बारे में इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा जीवन जी करके जाता है। वो समाज के अंदर अपने द्वारा किए गए कार्यों की एक अमिट छाप छोड़ करके जाता है। आस्करण जी मोदी जी भी वैसा ही व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत लंबा जीवन जीते हुए उन्होंने वो कार्य किए जो आज समाज के लोग याद रख रहे हैं। मैं हालांकि आस्करण जी मोदी साहब से बहुत अधिक नहीं मिल पाया था, मैं उनसे मिला था, मुझे कई बार उनका आशीर्वाद भी मिला, लेकिन बैठ के बहुत लंबी बातें या बहुत लंबे समय तक उनसे मुलाकात के दौर नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनके बारे में मैंने हमेशा अच्छी बातें सुनी है। जीवन में व्यक्ति के जाने के बाद में तो लोग अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति होता है संसार के अंदर, उस वक्त उसके अच्छी और बुरी बातें दोनों कहने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन आस्करण जी मोदी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनके बारे में उनके जीवन में भी किसी व्यक्ति ने कोई बुरी बात नहीं कही। उनके बारे में हमेशा वो बातें कहते थे जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उन बातों को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर सकता है। इसलिए आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय पूज्य आस्करण जी मोदी जी को श्रद्धांजलि देने का इस सु अवसर हमें सबको प्राप्त हुआ है। मैं आप सब लोगों की भावनाएं और लंबे समय तक सुनना चाहता था, लेकिन आज होली के त्योहार के बाद में रतनगढ़ के बाजार के अंदर व्यापारी भाइयों से एक पहले से तय कार्यक्रम था मिलने का, तो 4 बजे का समय सब लोगों को दिया हुआ था, लेकिन चूंकि 3 बजे की ये सभा रखी हुई थी, इसलिए ये ध्वस्तता मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि मैं पहले बोलने के लिए मैंने निवेदन किया है कि मुझे पहले बुलवा दीजिए, जिससे मैं मेरी श्रद्धांजलि देकर के, हालांकि मानसिक रूप से तो जिस दिन मुझे पता चला उसी दिन उनको श्रद्धांजलि दी, और भगवान से इस बात की प्रार्थना भी करता हूं कि आस्करण जी मोदी जी को भगवान अपने श्री चरणों के अंदर स्थान दे। और ये जो मंच है, इस मंच के ऊपर भी ऐसी प्रतिभाएं बैठी है, राजनीतिक प्रतिभाएं तो हमेशा जाती हैं जहां उनको याद किया जाता है या जहां उनको जाने का होता है, लेकिन इस मंच के माध्यम से हमें ये भी देखने को मौका मिला है कि आस्करण जी के प्रति उन लोगों की भी सच्ची श्रद्धांजलि थी जिनका, चाहे खेल के मैदान की बात करें, चाहे शिक्षा जगत की बात करें, चाहे समाज सेवा की बात करें, सारी तरह की विभूतियां यहां पर बैठी हुई हैं।
तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले आदरणीय आस्कर जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं इस बात से परिवार के परिवारजनों से कि वो आस्करण जी के छोड़े हुए जो अधूरे कार्य हैं, उनके जो सपने थे समाज की सेवा करने के, और जैसा आदरणीय गुरु जी गोदारा जी कह रहे थे कि उनकी स्मृति के अंदर कोई चिर स्थायी ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जिससे वो अमर हो जाए, उनकी यादें बरकरार रहे और समाज के अंदर लोग उनकी बातों को शिक्षा के रूप में ग्रहण करते रहे। यही बात कहते हुए मैं आप लोगों से इस बात की क्षमा प्रार्थना करते हुए कि मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आस्करण जी को श्रद्धांजलि देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।